शेयरिंग द जर्नी के वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब के बटन को दबाना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन दबाने के बाद बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारी सारी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, मैं हूं अतनु कोलकाता से। आज हम हैं डिटेलिंग एक्सप्रेस पे, जो है न्यू टाउन में। तो यहाँ बहुत सारा कुछ काम होता है, बहुत दिन से भैया लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोग आज देखते हैं क्या क्या होता है, क्या होता है, पूरा डिटेल्स लेते हैं, साथ ही साथ क्या काम चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए, ये है डिटेलिंग एक्सप्रेस का कार्ड, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। साथ ही साथ पूरा डिटेल्स आपको मैं प्रोवाइड कर दे रहा हूँ कि एग्जैक्ट ऑफिस कहाँ है, और आपको अगर आना है न्यू टाउन में है ये एग्जैक्टली आपका टूवर्ड्स, अगर आप चिनार पार्क से हल्दीराम जाते आपको वहाँ यह मिल जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में आपको लोकेशन, या फिर अगर ये फ़ोन नंबर जो आप देख सकते हैं इस पर आप कॉल कर सकते हैं, फिर वहाँ आ सकते हैं। तो अभी डिटेलिंग एक्सप्रेस में यहाँ अभी काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है नहीं चल रहा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। साथ ही साथ यहाँ सारे तरह का एग्जैक्टली टू व्हीलर फोर व्हीलर हर गाड़ी का बहुत सारा काम होता है, क्या क्या काम होता है जो डिटेल्स में अगर जब तक काम होगा तब तक मैं आपको दिखाऊँगा तो आपको भी पता चल जाएगा। तो अभी ये टू व्हीलर का काम हुआ है, आई थिंक इसका अभी डिटेलिंग किया गया है। यहाँ और भी काम चल रहा है, साथ ही साथ अंदर में और भी अभी हो रहा है। एक बार अंदर चलते हैं और देखते हैं कि कौन सा गाड़ी का एग्जैक्ट क्या काम हो रहा है। तो ये है जीप कॉम्पास, जिसका भी पूरा काम होने वाला है। तो भैया आते हैं, भैया आके पूरा डिटेल हम लोग को समझाएंगे डिटेल में कि एग्जैक्ट इसका क्या होगा नहीं होगा, फिर हम लोग जो है वो वीडियो पूरा कवर अप करते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। एक बार वॉक अराउंड ले लीजिए। तो अभी जीप के ऊपर में PPF होने वाला है, आई होप एग्जैक्ट क्या टेक्निकल टर्म है तो भैया से पूछ लेंगे। तो ये है जीप 4x4, आई एम नॉट श्योर ये जीप 4x4 है या नहीं, जीप कॉम्पास है। तो इसमें एग्जैक्टली बहुत सारा कुछ रिमूव किया गया है, जैसा आपको दिखाया कि यहाँ का यहाँ से बैक लाइट, फिर आप यहाँ से देख पाएंगे एग्जैक्टली इसको पूरा रिमूव किया गया है, क्योंकि लगाने में इजी होता है वरना काफ़ी जो फिटिंग है वो अच्छा नहीं आता है, तो ज़ोर ज़बरदस्ती कुछ लगाया नहीं जाता है जीप में। तो इस साइड से देखेंगे तो पूरा रिमूव है, गाड़ी को पूरा अच्छी तरह से क्लीन किया गया है, जिसके वजह से आप देख सकते हैं कि अभी भी कहीं कहीं यहाँ थोड़ा सा पानी आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ ये भी रिमूव कर दिया गया है, फ्यूल लीड जो था या जो लॉक्स था उसको भी खोल कर रखा गया है। टायर का जो बे है आप देखिए अंदर में कितना अच्छी तरह से क्लीन किया गया है, ये पूरा चमक रहा है, सारा जो धूल मिट्टी था सब कुछ एकदम अच्छी तरह से साफ किया गया है गाड़ी का पूरा बॉडी से, कहीं भी कुछ रहे नहीं। यहाँ सारा जो मटेरियल है इसको नाप के काटा जा रहा है लगाने के लिए। बहुत सारा मेज़रमेंट का ज़रूरत होता है, जो सारा कैलकुलेशन करने के बाद उसमें लिख उसमें लगाया जाता है। ये एग्जैक्टली रोल है,
तो ये सारा कुछ काट लिया जाता है, फिर अलग अलग जो पार्ट है, जैसे कि ये जिस साइड का पार्ट है वहीं रखा जाता है कि बाद में इसको मिक्स ना हो जाए, क्योंकि सब कुछ मेजरमेंट के साथ इसको काटा जाता है। काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस है। पहले पूरा हो जाता है, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी बोनेट पे पहले काम होगा, तो ये स्प्रे किया जा रहा है, साथ ही साथ बोनेट में जो आपका वाटर डिस्पेंसर रहता है, दोज थिंग्स आर रिमूव, और इसको अच्छी तरह से ऑलरेडी क्लीन किया गया। काम पहले शुरू हो रहा है एग्जैक्ट बोनेट से, और ये बोनेट पे केमिकल स्प्रे किया गया है, जहाँ से आप देख ही सकते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ जो रहता है नॉर्मली आपका, मतलब वाटर फ्लो के लिए फ्रंट विंडशील्ड पे, वो उसको रिमूव कर किया गया है, सारा कुछ रिमूव करके साफ किया गया है। अभी इस पे ऊपर ये स्प्रे किया गया है, अभी काम शुरू होता है तो आपको दिखाते हैं डिटेल्स। ये देखिए ये प्रोसेस है, तो ये देखिए कंप्लीट। ये देखिए आप ग्लॉसीनेस जो है एग्जैक्ट पता चल रहा है कि कितना अच्छी तरह से आया हुआ है। पूरा बोनेट जो है वो चेंज हो गया, समझ में नहीं आ रहा। तो ये साइड में पैनल में लग रहा है, देखिए पूरा जो है एक ही पार्ट है, उसको काट के
अलग किया जाएगा और वेरी फिट कर दिया गया है। फिर इसको अभी शेप में लाने के बाद काटा जाएगा। इसको परफेक्टली पूरा फिट किया जा रहा है, पूरा बिठाया गया है। ये पार्ट जो है ये काट के अलग होगा क्योंकि यहाँ फ्यूल लीड लग जाएगा, काफ़ी लंबा प्रोसेस है। ये देखिए यहाँ पूरा एकदम बैठा दिया गया है। यहाँ इसको काट करके अंदर किया जाएगा, साथ ही साथ ये पूरा एकदम बीट के अंदर चला जा रहा है। यहाँ से देखेंगे तो पूरा कुछ समझ में नहीं आ रहा, इतना अच्छी तरह से किया गया है। जस्ट यहाँ आगे आपको मिलेगा क्योंकि ये अभी तक फिनिशिंग नहीं हुआ। तो ये है जीप कॉम्पस, प्रोसेस काफ़ी बड़ा है इसलिए पूरा आपको दिखा नहीं सकता हूँ। एक बच्चल के भैया से बात करते हैं जो कि है सीडलिंग एक्सप्रेस के ओनर, और भैया से पूछते हैं इसका और क्या क्या अवेलेबल है, या फिर डिटेल्स पूरा भैया से पता करते हैं। दिस इज सुनीत फ्रॉम डिटेलिंग एक्सप्रेस। तो आज सुनीत भैया है हम लोग के साथ में। हाँ। तो सुनीत भैया ये है डिटेलिंग एक्सप्रेस का ओनर। तो सुनीत भैया से आप पूछते हैं कि भैया, मैं सुनीत ओनर ऑफ डिटेलिंग एक्सप्रेस एंड हमारे एक और भैया है जो मेरे पार्टनर है अर्णव दास, लोग भी हमको प्यार से एनबी अर्णव के नाम से जानते हैं। अच्छा, ये दोनों ने मिलकर हमने 1.5 साल पहले खोला था ये फॉर्म। आज काफ़ी प्यार मिला है, देख रहे हो काफ़ी प्रीमियम कार्स हमारे यहाँ पे आती है। अभी एक जीप कंपास है जिसमें पीपी लगा है। अच्छा, जो कि काफ़ी प्रीमियम ब्रांड का है, टीपीयू क्वालिटी एंड अदर देन पीपीएफ हम लोग बाकी सारे डिटेलिंग काम में, जैसे कि कंप्लीट डिटेलिंग इंटीरियर एक्सटीरियर कार का हो गया, बाइक का रैपिंग हो गया, कार का मॉडिफिकेशन हो गया, सब हम लोग करते हैं। तो कुछ भी डिटेलिंग रिलेटेड या प्रोटेक्शन पेंट प्रोटेक्शन के रिलेटेड कुछ भी काम हो, यू कैन रीच अस ऑन अवर फोन नंबर जो कि ये भाई आपको डिस्क्रिप्शन, आप बोल दीजिए फोन नंबर कोई। सो इट इज 6290-6100-50। आई रिपीट 6290-6100-50। तो आपका लोकेशन सुनीत भैया, ये चिनार पार्क में है। एक्चुअली ये पहले रोड फ्रंट से एकदम सामने दिखता था, बट अनफॉर्चुनेटली एक बिल्डिंग सामने आ गया तो एक प्लॉट पीछे आ गया। तो आपको लोकेट कैसे करना है, मोमोया में चिनार पार्क में और एक बिग स्टोन का शोरूम न्यूली ओपन, उसके बीचों बीच एक रास्ता आ रहा है। अच्छा। अपोलो टायर के एडजेसेंट बाजू वाला दुकान हमारा है। सुनीत भैया, मैं जानना चाहूंगा एग्जैक्टली आप लोग ये पीपीएफ या रैपिंग क्या क्या, मतलब क्या क्या वैरायटी रखते हैं इसमें? मोस्टली दरवाजे का होता है, कस्टमर का जैसा डिमांड रहता है, कस्टमर जो ब्रांड का हमसे आस्किंग करेगा। अभी भी कुछ कस्टमर का ऐसा भी होता है जिनका थोड़ा बजट टाइट रहता है, तो उसके लिए भी काफी सारे ऑप्शन रहते हैं। रैपिंग में हम लोग मोस्टली 3M और एवरीडे नेशन का यूज करते हैं। अच्छा, जितना कस्टमर का बजट है, जो कस्टमर का डिज़ाइन है, जो कस्टमर का रिक्वायरमेंट रहे उसके हिसाब से हम कस्टमर को देंगे। हाँ, आज ये जो काम हुआ है इसमें थोड़ा सा मैंने एग्जैक्टली क्या हुआ है, कितना रेंज से स्टार्ट होता है आपका जीप में? इसमें पीपी हुआ है टीपीयू क्वालिटी का। अच्छा, जो कि हमारे पास स्टार्ट होता है 85,000 से। अच्छा। रोस्टेड 2.5 टैक्स। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द कार साइज एंड मटेरियल यूज। और ये एग्जैक्टली अगर हम लोग हैचबैक में करना जाए या फिर सेडान में करना जाए तब तो प्राइस रेंज अलग होगा? डेफिनेटली उसके लिए आपको आना पड़ेगा, ऐसा तो एक वीडियो में आपको नहीं पूरा डिटेल्स पता नहीं सकते। यू हैव टू कम और यू हैव टू कॉल, वी विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू। और सोचिए कि मैं पूरा काम करवाया उसके बाद मेरा कहीं बम्पर कहीं से चुम्मा लग गया या फिर कुछ हो गया, ऐसा तो होता ही है, तो इन दैट केस आप वो पार्ट का सिर्फ अलग से कर देंगे? ट्रैवलिंग या इफ यू आर ड्राइविंग इन द सिटी आपको उसमें स्क्रैच लग गई है, आप सीरियस पीपीएफ करवा रहे हो, राइट? तो कहीं पे अगर पर्टिकुलरली बम्पर में कुछ स्क्रैचेस आता है तो उस पार्ट का बम्पर का पीपीएफ निकाल के उसको आपको लगवाना है वापस, बस इतना ही है। एंड दैट विल बी चार्ज्ड अपॉन द मटेरियल कंजम्पशन पर स्क्वायर फीट हिसाब से। अच्छा, मतलब उस टाइम में जो होगा उस हिसाब से। बिल्कुल। तो आप जो नंबर दिए, अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना चाहे तो कभी भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो ये थे सुनीत भैया हम लोगों के साथ डिटेलिंग एक्सप्रेस से, थैंक यू भैया। तो आज यही गाड़ी पे काम हो रहा है, तो ऑलरेडी मैंने दिखाया काफ़ी लंबा काम है, अगर आपको ऐसा काम और भी देखना है तो प्लीज़ चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर। मैं अतनु कोलकाता से, थैंक यू, बाय बाय।